ऐसे भी मैं ज्यादा बातें हम करनी छोड़ चुका हूँ। सच बता रहा हूँ सर, 3 साल पहले मेरा ब्याह हो गया। 3 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त हुई। ऐसे ऐसे सवाल कर दिया दुनिया में कोई मायका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। बारीक बातें करता हूँ मैं, जहां जहां बात समझ आती है बस वहां मस्ती लेना, बाकी सुन लेना। ऐसे ऐसे सवाल कर दिया दुनिया में कोई मायका लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। पिछले दिन मेरा जन्मदिन आया तो आके पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दू? मतलब तू मेरी बात सुन लिया है? घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है, वो वही करती है जो वो करना चाहती है, और सर हमसे भी वही करवाती है जो वो करवाना चाहती है। लोग कहते हैं हमारे घर में कलेश होते हैं, कोई कलेश नहीं होते, ये सब मेहमान करवाते हैं। पिछले दिनों भाई साहब आ गए मेरे घर, मैं अपनी लुगाई के साथ खड़ा था, देखकर भावुक हो गए, बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मैंने कहा जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाती ना इसे कोई ठाके ले जाती। अच्छा भाई अच्छा है, तो अपना घर कमें अच्छी तरह पता है। ये सारी लुगाइयां यहाँ ऐसे बैठी हंस रही है जैसे इनका चरित्र चित्रण हो रहा हो। आजकल इन्होंने एक नया टोटका निकाला है भाई साहब, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल नया टोटका निकाला है। जब इनका घूमने फिरने का मूड होता है, आउटिंग पर जाने का मूड होता है, पिकनिक मनाने का मूड होता है, तो आध्यात्मिक बहाना ढूंढ के लाती है। हमने वैष्णो देवी के दर्शन बोल रखे हैं, पट्टा मना नहीं कर सकता। एक दिन कटरा लेके जाएगा, 4 दिन खुद काटड़ा बन के पटनी टॉप घुमाता है। मैं इस देश की सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, एक भी देवता विदेश में नहीं बसा। हाँ वरना ये कभी भी कह सकती थी हमने लंदन वाले भैरव जी की जोत बोल रखी। आदमी भैरव जी की जोत जलवाने के चक्कर में खुद बजरंगी हो लेता जी। लेकिन हम पुरुष है साहब, हमें कष्ट झेलने की आदत है, हम हर कष्ट में से सुख निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम भी कभी भी कह सकते थे हमने बैंकॉक वाली देवी के दर्शन बोल रखे। भाई साहब बैंकॉक के बारे में जानते हैं? बैंकॉक एक ऐसे तीर्थ स्थल का नाम है जहां मनुष्य जाता है, एक सिद्धपीठ के दर्शन करता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, फिर वो बाहर आता है, आस्था और श्रद्धा से भरकर दूसरे मंदिर में प्रवेश करता है, उसका मन और पवित्र हो जाता है। 4-5 तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के बाद वो इतना निश्चल हो जाता है, पूरे थाईलैंड में उसी वेशभूषा में घूमता है जिस वेशभूषा में धरती पर आया हो। मुझको तो 3 साल में लुगाई ने बताया इसका। समझदार पुरुष वो है जो औरत से उचित दूरी बनाकर, और तर्क अगर सही हो जाए तो एक बार यहाँ झुमा देना मेरे को। आदमी को औरत से उचित दूरी बनानी चाहिए साहब। एक बाबा है उत्तराखंड में, कई साल से हनी बेच रहा है, सिर से में एक हनी ने बाबा बेच दिया। इसलिए समझदारी इसी में है साहब। एक ताना सर ये जो सबसे आगे लोग बैठे हैं पगड़ियां बांध के, ये ताना आप लोगों को भी मिलता होगा। कितने भी बड़े बन जाओ इस ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार कहती है तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई घंटा मिला होता तो मैं कितनी खुश रहता। जैसे हम नहीं मिलते तो इन्हें कोई गणपति कुबेर मिल रहा। लेकिन वो बोलती है साहब एक दिन मैंने यही लगता, मैंने कहा देखो मनुष्य यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की स्थितियां उसके सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं होती। वो बोली कैसे? अब मैं सिद्ध करता हूँ और सही सिद्ध कर दूं तो मुझे आनंद देना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बड़ी जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां पर इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखो ड्रेसिंग सेंस ही नहीं, कैसे कैसे कपड़े पहने। एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए,
एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? हम तो यमराज की बेटी से भी काम चला लेते हैं। कितना सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। ये सिर्फ लुगाइयों के चोचले हैं जी। एक लाल रंग की लिपस्टिक के भी 300 नाम बता देंगी, ये वाला रेड, ये वाला रेड, ये वाला रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैंपू घर में कौन लेता है। हमारी सादगी का कोई मुकाबला नहीं। आपने करवा चौथ के दिन देखिए, करवा चौथ जानते हैं? करवा चौथ का मतलब भारतीय वैलेंटाइन डे। वो सचमुच भारतीय वैलेंटाइन डे है। उस दिन कई पुराने ट्रांसफार्मर भी स्पार्क करने लग जाते हैं। करवा चौथ के दिन देखिए आप इन लुगाइयों को, 25 रुपल्ली की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर पट्टे पर बैठकर, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो पोरवा नहीं भरा, देखियो केरी नहीं बनाई। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे।